नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी जीप इंडिया ने अपनी नई जीप कंपास फेसलिफ्ट को हाल ही में पेश किया है और कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। लेकिन अब कंपनी ने इस एसयूवी की लॉन्च डेट का भी खुलासा कर दिया है। कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार जीप कंपास फेसलिफ्ट को आने वाली 27 जनवरी को बाजार में उतारा जाएगा। जीप इंडिया ने इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन के बारे में पहले ही जानकारी साझा की थी। बता दें कि कंपनी ने कुछ समय पहले ही कंपास फेसलिफ्ट का एक टीजर जारी किया था, जिसमें इस कार के एक नए ग्रीन कलर ऑप्शन का खुलासा हुआ था। कंपनी ने इस फेसलिफ्ट वर्जन को कई नए बदलावों के साथ पेश किया है। जीप कंपास फेसलिफ्ट के डिजाइन की बात करें तो इस एसयूवी में नए हेडलाइट्स, इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स, हनीकॉम्ब इंसर्ट के साथ एक अपडेटेड 7 स्लेट ग्रिल, नया फ्रंट बम्पर, फॉक्स किट प्लेट और नई फॉग लाइट हाउसिंग के साथ एक बड़ा एयर डैम दिया गया है। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी ने इसके साइड और पिछले प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, इसे पहले जैसा ही रखा गया है। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने इस कार में एक नया डैशबोर्ड दिया है। इसके अलावा इस कार में 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए एसी वेंट्स और एचवीएसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें कंपनी की यू कनेक्ट 5 तकनीक दी गई है। इसके अलावा इस कार में अमेजोन एलेक्सा सपोर्ट, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट और ओवर द एयर अपडेट का सपोर्ट दिया गया है। इसके इंटीरियर में कंपनी ने बेहतरीन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, हिल डिसेंट कंट्रोल, पैनिक ब्रेक असिस्ट, रेडी अलर्ट ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन और ब्रेक लॉक डिफरेंशियल जैसे कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इस कार को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा, जहां पहला 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो कि 161 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। वहीं दूसरा 2.0 लीटर BS6 डीजल इंजन होगा जो 170 BHP की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। बता दें कि कंपनी ने इस कार को 7 स्पीड DCT, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया है। लॉन्च के बाद भारतीय बाजार में इस कार का मुकाबला MG हेक्टर, टाटा हैरियर, महिंद्रा XUV 500 से होने वाला है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ। We'll be right back.